की स्वस्थ के लिए करती है। वहाँ पे ये बैठेगी, वहाँ पे मेरी माँ बैठेगी। उस टाइम जब इसने बयान दिया था उनको थप्पड़ मारना सही है या गलत। किसान मजदूर संघ कपूरथला के सचिव भी हैं, थप्पड़ मारे तो उनके लिए क्या सजा होती है। कांग्रेस विधायक हिमाचल प्रदेश के हैं, थप्पड़ मारने के दो तीन कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। कुलविंदर कौन है कौन? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, और ये मेरे द्वारा लाया गया प्रयास पहला है और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और वर्तमान में हमारे देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कंगना रनौत और कुलविंदर कौर, जिन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तारीख 6 जून गुरुवार को कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया, जो वर्तमान में बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हैं और विश्वभर में विख्यात हैं कंगना रनौत, और वर्तमान में मंडी हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित हुई है। तो बात यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद कंगना मंडी को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई पात्र देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुई। तो ये चंडीगढ़ होके दिल्ली जाना चाहती थी, वहाँ पे उतरी, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्होंने जांच करवाई। तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात थी कुलविंदर कौर, जो सीए से भर्ती 2009 में लगी हुई थी और 35 वर्षीय हैं, और उन्होंने पहले गालियाँ निकाली कंगना रनौत को और बाद में थप्पड़ मारा। तो पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन की समर्थक हूँ और आपने हमेशा किसानों का भला नहीं चाहा और सरकार के पक्ष में ट्वीट करती गई और भला बुरा कहा। तो उसके बाद में कंगना वहाँ से दिल्ली गई, और दिल्ली जाने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जनता को सूचित किया कि मैं अब सुरक्षित हूँ और मुझे सीएसएफ महिला द्वारा थप्पड़ मारा गया, और मेरे पूछे जाने पर यह जवाब आया कि मैं किसान आंदोलन की समर्थक हूँ। और पहले अब ये जानते हैं कि कुलविंदर कौन है कौन, और इन्होंने गुस्से में ये क्या कर दिया कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतने बड़े पद पे होते हुए उनको थप्पड़ मारना सही है या गलत, सब विषयों पर चर्चा करेंगे और आपका भी ओपिनियन लेंगे। तो बात यह है कि ये हैं कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के रहने वाली 35 वर्षीय मोहतरमा हैं, और वर्तमान में सीएसएफ में कार्यरत है, और इनके पति देव भी सीएसएफ में हैं, और इनकी शादी 6 साल पहले जम्मू में हुई थी। और ये घटना घटने के बाद तमाम सेलिब्रिटियां पक्ष में आई, कोई विपक्ष में आई, ज़्यादातर आम जनता और सेलिब्रिटियां पक्ष में आई कि कुलविंदर कौर सही है, लेकिन हिंसात्मक तरीका ये कहां तक सही है कहां तक गलत है ये तो कानून कार्रवाई करने के बाद और क्या प्रोसेस है उसके बाद ही पता चलेगा। सरकार द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सीएसएफ द्वारा तो एक्शन ले लिया गया है कि सस्पेंड कर दिया गया और कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है, और धारा 323 और 341 के तहत मुकदमा भी लगा दिया गया है। लेकिन थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है, समझा देते, कोई अहिंसात्मक तरीका भी होता है, और आंदोलन करने का गांधी जी ने भी यही बताया है कि अहिंसात्मक तरीके से विरोध करो, लेकिन गुस्से में आकर ये कह दिया। और इनके पक्ष में हमारे किसान आंदोलन के लीडर राकेश टिकैत ने भी कहा कि मुकदमा चलो, अपने कार्रवाई करो, लेकिन हम इनके साथ हैं और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद ओलंपिक खिलाड़ी बजरंग पूनिया कुश्ती के, जिन्होंने भी सपोर्ट में कहा है कि कंगना रनौत पहलवानों के अपमान के टाइम कहाँ थी, हम इनके साथ हैं कुलविंदर कौर के। और उसके बाद एक पंजाब की खिलाड़ी है भारत की हिना संधु, अर्जुन अवार्डी भी है, जिन्होंने कहा कि पूरा पंजाब आतंकवाद नहीं है, इन्होंने अपने गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दी है, ना कि पूरा पंजाब आतंकवाद है। और उसके बाद कुलविंदर के पक्ष में प्रसिद्ध संगीतज्ञ और कंपोजर विशाल ददलानी, उन्होंने कहा है कि यदि इनको सस्पेंड कर दिया गया, परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हम इनको जॉब देंगे, उनकी जॉब ऐसे नहीं जाएगी। और कुलविंदर के भाई शेर सिंह, जिन्होंने कहा है कि जवान और किसान दोनों देश के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, और दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये बता देता चाहता हूँ कि शेर सिंह जो वर्तमान में किसान मजदूर संघ कपूरथला के सचिव भी हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, तो बात यह है कि इनका परिचित हो गया। अब बात यह है कि ये थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है, और सरकार के द्वारा अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस विधायक हिमाचल प्रदेश के हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने सरकार के पक्ष में बोला है और कंगना के पक्ष में बोला है कि थप्पड़ मारना एकदम गलत है, और ये जो भी कुलविंदर कौर ने किया है एकदम गलत है, सरकार को इसके खिलाफ एक्शन ले जाना चाहिए। लेकिन आम जनता कुलविंदर कौर के साथ ज़्यादा है, इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कंगना ने जो भी किया है
किसानों के विपक्ष में किया है। हालांकि वो मंडी से अभी निर्वाचित हैं और एमपी होने के नाते उन पर हिंसात्मक कार्रवाई करना गलत है, कानूनी तौर पे भी और नैतिक तौर पे भी। और आप सबका यह क्या कहना है इस पर बताइएगा जरूर। थप्पड़ मारे तो उनके लिए क्या सजा होती है? दो तीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो जमानती हैं 323, 341 के तहत। बड़ी बात यह है कि सुरक्षाकर्मी होते हुए उनके जिनका मेन काम सुरक्षा देना होता है, और वही यदि सुरक्षा में फेरबदल करके सुरक्षा के विपरीत जाके किसी को असुरक्षा देते हैं, थप्पड़ मारते, तो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, स्पेशली आप नोटिस निकाल सकते हो किसी के ऊपर विरोध कर, लेकिन थप्पड़ मारना बहुत गलत, क्योंकि ये सूचना पूरे विश्व भर में जाएगी कि भारत में एक सुरक्षाकर्मी द्वारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जनता द्वारा निर्वाचित हैं उनको थप्पड़ मार दिया गया है, ये एकदम गलत है, ये निंदनीय है। और ये और बता देना चाहता हूँ, कुलविंदर कौर पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, राजनीतिक पोस्ट भी करती आई हैं, और इनके थप्पड़ मारने के दो तीन कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे एक तो होता है कि किसानों से हमदर्दी, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पब्लिसिटी वर्तमान में चलता है कि कोई भी किसी भी हद तक चला जाता है पब्लिसिटी के लिए। तो ये नहीं कहूँगा कि पब्लिसिटी के लिए किया गया है, लेकिन हो भी सकता है, और अन्य कारण भी हो सकता है जो उन्हें ही पता हो। और इन सब चर्चा में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा थोड़ा एनालिसिस का पहला प्रयास था, हो सकता कोई गलती रह जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इस पर एनालिसिस करने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका विचार क्या है और कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।